नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। आपके साथ मैं हूं अलीशा जुनेजा। सोमवार को हरियाणा प्रदेश के जिला पंचकुला में फार्मेसी एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई। ये आरोप सरकारी फार्मिस्ट एसोसिएशन के प्रधान विनोद दलाल ने अधिकारियों पर लगाया। इसके बाद अर्थ प्रकाश के मुख्य संवाददाता डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा पूरे मामले की हकीकत जानने पंचकुला सेक्टर 6 सरकारी अस्पताल तक पहुंचे तो वहां हैरान कर देने वाला वाक्य देखा गया, जिसकी वीडियो बनाई गई। अस्पताल में बिना लाइसेंस के दवाई दी जा रही थी। आइए आपको वीडियो में दिखाते हैं पूरा मामला। नहीं नहीं, वो ऑर्डर आया हुआ है, बच्चे हैं सर। कहां के बच्चे हैं? अरे यही पर ड्यूटी लगाया था। कहां से हो वो सब? रोहतक से हो आप? एज BMS इंटरन हो तो आपको मेडिसिन बांटने की किसने राइट दे दी है? आपको किसने राइट दिया? यहाँ पे मेडिसिन बांट रहे हो आप? किसने राइट दिया आपको मेडिसिन बांटने का? आपको पता है फार्मेसी एक्ट होता है, फार्मेसिस्ट होती है, एक कम्युनिटी होती है, उसके पास राइट होता है। आप फिर भी यहाँ पे डिस्पेंसिंग कर रहे हो और बिना किसी डॉक्टर की प्रेजेंस में, क्यों? सर डॉक्टर सुरेश है। आपको पता है ये एक क्राइम है, ये ऑफेंस है। भैया बंद कराओ, ये ऐसे थोड़ी ना यार डॉक्टर की एब्सेंस में बांट रहे हैं। बंद कर दिया प्लीज सर, चलो छोड़ो। अर्थ का भाई बहन डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा नमस्कार। प्यारे भाई बहन, जैसे आपको पता है आज हरियाणा में फार्मासिस्टों ने सामूहिक हड़ताल की है और हमारे बीच में सेक्टर 6 के अंदर हम खड़े हैं, यहाँ पंचकुला के अंदर। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री पुनीत जी हमारे बीच में है और इन्होंने एक बहुत बड़ी मेन मुद्दा जो उठाया है इस वक्त इस हड़ताल के दौरान की यहाँ पर फार्मेसी एक्ट 1948 का छरेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। इस बारे में क्या सच्चाई है, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। पुनीत जी, इस एक्ट के बारे में बताइए कि एक्ट की क्या प्रावधान है और किस प्रावधान के क्लास के अंदर अधिकारियों के द्वारा, जैसे आपकी एसोसिएशन की तरफ से अभी भी प्रेस नोट आया है कि अधिकारियों द्वारा उस एक्ट का वायलेंट किया गया है, इसके बारे में बताइए कुछ। फार्मेसी एक्ट के अनुसार कोई भी इंसान, चाहे वो डॉक्टर क्यों नहीं है, चाहे वो स्टाफ नर्स है, चाहे कोई भी है, फार्मासिस्ट के अलावा डिस्पेंसिंग कर नहीं सकता मेडिसिन की। पर यहाँ पर तो सरेआम स्टाफ नर्सों ने डिस्पेंसिंग करी है, डॉक्टर्स ने डिस्पेंसिंग करी है और वो भी गलत करी है, वो भी ठीक डिस्पेंसिंग नहीं हुई। ये इवन मरीजों की जान के साथ भी खिलवाड़ वाला काम किया उन्होंने। किसी को कुछ गलत मेडिसिन दी गई, किसी को आधी मेडिसिन दी गई, किसी को दी नहीं गई मेडिसिन। क्या इसके अलावा और भी स्टेट के अंदर ऐसी बातें मिलने को? बहुत जगह से, जिले हैं, फतेहाबाद से भी यही दिक्कत आई है, हमें महसूस हुई है। अम्बाला में भी यही काम हुआ है, यमुनानगर में भी यही हुआ है। MPSW वगैरह ये डिस्पेंस नहीं कर सकते, ये एक सजा है इस एक्ट के दौरान, 2 महीने की कैद, इवन जुर्माना भी हो सकता है उस बंदे को जो इसका उल्लंघन कर रहा है। पर यहाँ पे तो अधिकारियों ने खुद मिली भगत में उल्लंघन करवाया है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूँ, कई एक्ट के अंदर ऐसा तो लिखा कि विशेष परिस्थितियों के अंदर कोई स्टाफ का, पैरामेडिकल स्टाफ दवाइयां दे सकता है किसी विशेष परिस्थिति में? ऐसा कभी नहीं हो सकता होता। फार्मेसी एक्ट में सिर्फ फार्मासिस्ट डिस्पेंस कर सकता है मेडिसिन, और कोई बंदा, कोई भी, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, कोई भी डिस्पेंस नहीं कर सकता मेडिसिन। तो इसके अलावा अब आपकी आगे कार्रवाई क्या होगी? क्या उन लोगों के अलावा जो मिर्जो बिल्कुल बिल्कुल FIR था, इस तरीके से क्या की जाएगी? हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ मिलकर उनके केस में भी बताओगे, सेंटर में भी ये आवाज उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, और हम विच साहब से भी मिलेंगे, उनके आगे भी ये बात रखेंगे कि हमारे सामने ये ऐसा खिलवाड़ किया गया। क्या आपके पास कोई प्रूफ भी है? बिल्कुल, हमारे पास सब है, उनकी फोटोग्राफ भी है, वीडियो भी है, क्लिप्स भी है, BMS इंटर्न के डिस्पेंस करते हुए मेडिसिन की क्लिप है हमारे पास, हर जगह के ऐसे हमारे पास ऐसी ऐसी छोटी छोटी सी क्लिप्स आई हुई हैं, जिसके लेकर हम विच साहब से मिलेंगे और इसके अगेंस्ट एक्शन की डिमांड करेंगे। तो भाई बहनों, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर आज फार्मेसी एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है। 1948 में फार्मेसी एक्ट बना था, जैसे प्रधान जी ने कहा कि उस क्लास के अंदर, उस एक्ट के किसी भी क्लास के अंदर ये नहीं लिखा गया कि कोई भी विशेष परिस्थितियों में पैरामेडिकल स्टाफ मेडिसिन दे सकता है। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर इन्होंने अलग जिलों में भी कहा, यानी हम कह सकते हैं पूरे हरियाणा के अंदर आज फार्मेसी एक्ट 1948 की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अर्थ प्रकाश संवाददाता डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।